हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज का फाउंडेशन। जी हाँ, अगर आप बिगनर हैं या बिगनर नहीं भी हैं और आप कोई अफोर्डेबल रेंज का फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं, सो आई एम श्योर कि आपको ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो गाइस, ये कम प्राइस के साथ आपको अच्छी खासी कवरेज भी देने वाला है एंड अच्छा खासा ब्रांड भी है। सो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस काफ़ी मिलता रहे। एंड गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है फाउंडेशन, आप देख सकते हैं। तो गाइज, ये है ब्लू हेवन का हाई कवरेज फाउंडेशन अल्ट्रा मैट। जी हाँ, अगर आपने ब्लू हेवन के फाउंडेशंस देखे होंगे तो ये पहले की पैकेजिंग से काफ़ी डिफरेंट पैकेजिंग है इसकी। आप पैकेजिंग देख लीजिए पहले, ये कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड इसकी कार्डबोर्ड पर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दे रखी हैं। गाइज, ये इसका प्राइस है 200 रुपीज़ एंड इसकी जो क्वान्टिटी 200 में मिल रही है वो है 45 ग्राम। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रही है गाइस, एंड आई थिंक ये 45 ग्राम काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ चलने वाला है। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 30 मंथ की शेल्फ लाइफ आपको मिल रही है जस्ट 200 रुपीज़ के अंदर। एंड ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, आप सभी जानते हैं ब्लू हेवन के बारे में एंड बहुत सारे लोगों ने ब्लू हेवन के प्रोडक्ट यूज़ भी किए होंगे। सो गाइस, बात कर लेते हैं इसकी बाकी की डिटेलिंग्स के बारे में। तो ये हाई कवरेज फाउंडेशन तो है ही, साथ में ये आपको SPF 50 PA++ की प्रोटेक्शन भी दे रहा है, यानी कि ये आपको फुल ऑन सन प्रोटेक्शन देने वाला है। गाइस, इसके अंदर जो मैंने शेड मंगाया है वो है वैनिला वेरी फेयर। मेरी जो स्किन कॉम्प्लेक्शन वो ना ही ज़्यादा डार्क में आती है ना ही ज़्यादा फेयर में आती है, मीडियम कॉम्प्लेक्शन आप कह सकते हैं। सो मैंने ये वाला शेड मंगाया है क्योंकि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद फेस में सेट होता है एंड सेट होने के बाद अगर आप ज़्यादा डार्क शेड ले लेते हैं तो वो ब्लैक ब्लैक शो करने लगता है एंड ज़्यादा फेयर ले लेते हैं तो वो गंदा लगता है। सो आई थॉट कि मुझे ये वाला शेड मंगाना चाहिए क्योंकि ये फेस में सेट होने के बाद मेरी स्किन के कलर का हो जाएगा, तो मैंने इसमें ये शेड मंगाया है। इसके अंदर ऑलरेडी आपको 6 शेड्स अवेलेबल है गाइस, जो कि इस पर मेंशन है, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें है फर्स्ट शेड जो है वो है वैनिला, जो कि मैंने ऑर्डर किया है वेरी फेयर। देन उसके बाद है क्रेम, देन उसके बाद है हनी, कैरमल, टॉफ़ी एंड चॉकलेट। ये 6 शेड्स इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप कुछ जो भी शेड चाहिए आप इसमें से ऑर्डर कर सकते हैं गाइस। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है, 200 की रेंज के अंदर आपको इतना अच्छा फाउंडेशन मिल रहा है, वो भी हाई कवरेज। एंड गाइस, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है वाटरप्रूफ है, क्रीज प्रूफ है, ऐसा इस प्रोडक्ट का क्लेम है कि ये वाटरप्रूफ भी है एंड ये आपकी क्रीज एरिया पर क्रीज भी नहीं होने देगा। गाइस, अभी तक मैंने इसे अप्लाई नहीं किया है, बट बहुत ही जल्दी मैं इसे अप्लाई कर एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तब हम इसका ये क्रीज वाला फॉर्मूला चेक कर लेंगे। गाइस, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है ये काफ़ी अच्छी फ्लॉलेस कवरेज देता है आपके फेस पर, जैसा कि इन्होंने मैंशन किया है अपने नाम में ही कि ये एक हाई कवरेज फाउंडेशन है गाइस। एंड रियली बताऊँ तो ये पहले की पैकेजिंग से आपकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी है एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी लगी है तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग ही, बट ऑलमोस्ट डिटेल्स आपको इस पर मिल जाती हैं। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं क्योंकि मैंने भी अभी तक ओपन करके इसको नहीं देखा है। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये मैंने नाइका से मंगाया था, तो अगर अभी तक आपने मेरा नाइका हॉल नहीं देखा है तो वो मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप नाइका हॉल देख सकते हैं क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स मंगाए हैं दिवाली सेल से, तो अगर आपको भी उनमें से कुछ पसंद हो तो आप वहां से बाय कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अगर अभी तक आपने नाइका डाउनलोड नहीं किया है तो नाइका का डाउनलोड लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइस, इसको ओपन करते हैं। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की ट्यूब आपको मिल रही है, ये ट्यूब पैकेजिंग में है एंड ये ट्रांसपेरेंट सी इसकी कैप है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये पंप पैकेजिंग के साथ मिल रहा है गाइस, तो प्रोडक्ट को निकालना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है एंड अप्लाई करना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। एंड इसके अंदर बहुत ही लाइट सी स्मेल है, कोई भी हार्श स्मेल नहीं है जिससे कि आपको इरिटेशन हो, तो इसमें जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है। एंड यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है हाई कवरेज फाउंडेशन
विद प्राइमर, ये प्राइमर के साथ आपको मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको प्राइमर अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। एंड एज यूजुअल गाइज यहाँ पर लिखा है SPF 50 प्लस प्लस PA के साथ मिल रहा है, प्लस वाटरप्रूफ है, इनविजिबल कवरेज है, मतलब कि आपने फाउंडेशन लगाया है तो आपके फेस पर फाउंडेशन है या नहीं है ये भी नहीं पता चलेगा, यानी कि आपकी स्किन टोन एकदम नेचुरल हो जाएगी। तो चलिए मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ, देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये एक पंप ही निकाला है, इसका शेप देख सकते हैं। मेरी स्किन टोन पर अगर मैं इसे अप्लाई करूँगी तो ये अच्छे से जाएगा, एंड कॉम्पैक्ट के साथ जब मैं सेट कर लूँगी तो और भी ज़्यादा फ्लॉलेस बेस लगने वाला है। सो गाइस बहुत जल्दी मैं इसकी हेल्प से एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, एंड वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखना ना भूलें क्योंकि मैं इसमें आने वाली वीडियोज़ के बारे में डिटेल्स देती रहती हूँ। सो गाइस चलिए देख लेते हैं। सो गाइस ये ना लिक्विड फॉर्म में है एंड थोड़ा सा रनी है, तो आप देख सकते हैं, ये मैं अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। बहुत लाइट सी स्मेल है गाइज इसकी, एंड ये फिंगर की हेल्प से इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है, तो ये स्पॉन्ज की हेल्प से कितने अच्छे से ब्लेंड होगा। सो गाइज आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में, आपको फर्क दिख रहा होगा, ये वाला जो शेड है कितना प्यारा है एंड कितने अच्छे से मेरे हाथ पर मिक्सअप हो गया है, एंड बहुत ही ज़्यादा इसका क्रीमी टेक्सचर है गाइज, ऐसा नहीं है कि ये ड्राई हो जाएगा। तो ये आपके लिए आई थिंक विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बहुत इजीली ब्लेंड हो जा रहा है, जबकि मैंने अपने हाथ पर कोई भी मॉइस्चराइज़र अभी अप्लाई नहीं कर रखा है, एंड इन दोनों में आपको डिफरेंस साफ साफ देखने को मिल रहा होगा गाइज, एंड क्रैक भी नहीं पड़ रहा है सच कुछ भी। सो गाइस मुझे तो ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब मैं इसे अप्लाई करूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि ये और कितना अच्छा है। एंड अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस आप इसको ज़रूर बाय करिए एंड ट्राई करिए, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पैकेजिंग से लेके एवरीथिंग सब कुछ आपको 200 की रेंज में मिल रहा है गाइस, एंड इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। आई होप सो कि गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी एंड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइज अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड आप अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं स्पेशली तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अदरवाइज मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ दे दूँगी। मेरा इंस्टाग्राम पेज है फ्यूजन मेकअप, तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।